जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिर से स्वागत है एक नया फ्रेश कमाल का वीडियो। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन। आशा करছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আমিও ভালো আছি। দোস্তো আজ इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा सिलाई का जो लॉक सिलाई होता है और जो चेन सिलाई होता है, दोनों में फर्क क्या है और ये सिलाई बनता कैसा है। इस वीडियो को माध्यम से पूरा की पूरा मैं शेयर करूंगा आप लोगों का साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार आया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। है गाइस, वेलकम बैक टू द एफएम फैशन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फरूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज, यानी कि इत्यादि ज्ञान ओनली जींस पैंट के बारे में। तो चले दोस्तों ज्यादा देर ना करें, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आपका सामने जो मशीन देख रहे हैं ये मशीन का जो सिलाई है इसमें लॉक सिलाई आता है। और आपका घर पे जो मशीन है काला मुंडी, मतलब जो इंडियन मशीन है, ये एक इम्पोर्टेड मशीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका घर पे जो मशीन है उस मशीन को भी जो सिलाई आता है वो लॉक सिलाई आता है। एक नीडिल और एक बॉबिन मिल के जो सिलाई देता है वो जो सिलाई आता है उसको लॉक सिलाई बोलता है। और ये है मुंडा का मशीन, इसके ऊपर सुई चलता है, नीचे लूपर चलता है। इसमें जो भी सिलाई देगा वो है चेन सिलाई। तो दोनों सिलाई में फ़र्क कुछ नहीं रहता है, फ़र्क खाली एक ही है, वो एक बाजू से एक धागा ऐसा खींचेगा तो वो खुल जाता है और लॉक सिलाई खुलता नहीं है। लॉक सिलाई खुलने के लिए पूरा सिलाई को काटना पड़ता है। तो आपका सामने आप देख सकते हैं नीडिल प्लस बॉबिन लॉक स्टिच होता है। नीडिल प्लस बॉबिन मिला के लॉक स्टिच होता है। और ये कैसा होता है चले आगे देख लेते हैं। तो ये जो राउंड सर्कल घूम रहा है ये समझ लीजिए बॉबिन है, और ऊपर से जो आ रहा है वो है नीडिल है, और बीच में जो पर्पल कलर का दो लेयर जा रहा है वो है कपड़ा। तो आप देख के भी पढ़ के भी समझ सकते हैं ये सिलाई का लॉक सिलाई कहते हैं। नीडिल और बॉबिन मिल के जो स्टिच होता है उसको हम लोग बोलता है लॉक सिलाई, और जो नीडिल प्लस लूपर मिल के जो सिलाई होता है उस सिलाई का नाम है चेन सिलाई। तो मेरा हिसाब से जो लॉक सिलाई है वो ज़्यादा मजबूत होता है। ये भी मजबूत होता है लेकिन ये सिलाई का जो टेक्निक, ये टेक्निक थोड़ा अलग है। तो आप देख सकते हैं रेड और पर्पल कलर का जो लेयर है वो कपड़ा है, और नीचे से चेन सिलाई जा रहा है और ऊपर से नीडिल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चेन सिलाई का उल्टा बाजू और वो लॉक सिलाई का बाजू। आप देख सकते हैं इसका सिलाई कैसा होता है। तो यही है, कुछ फर्क नहीं है चेन सिलाई और लॉक सिलाई का फर्क। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना और अपने को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।